हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाट के लिए खट्टी और मीठी चटनी की रेसिपी लेकर के आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है ये खटाई। खटाई के स्थान पर आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और एक मुट्ठी हमने धनिया ली है, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम इसे ग्राइंडर में सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। ये कटी हुई धनिया, खटाई, अब इसी में हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। अब इसमें हम हरी मिर्च को हमने 2 टुकड़ों में कर लिया, जिससे कि इसका आसानी से पीसा जा सके। अब हम इसका थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट भी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कलर दिख रहा है और टेस्ट में तो ये बहुत ही टैंगी टेस्ट है। तो चाट के लिए जब भी बनाएं तो ज़रूर हरी चटनी ज़रूर बनाएं। अब हम दूसरी चटनी को तैयार करते हैं, इमली की मीठी वाली चटनी। तो इमली का पल्प लिया है, गुड़ का सिरप है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा और ये धनिया पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ये जो हमने गुड़ का सिरप बनाया था उसको ऐड कर लेंगे, लगभग 2 चम्मच है। अब इसमें हम, अगर आप गुड़ का सिरप नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल देते हैं, 4 से 5 हम डाल देंगे ये इमली का पल्प। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले में हम ये 2 चम्मच भुना हुआ जीरा डाल देंगे और ये 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे चटनी का रंग बहुत अच्छा आएगा, धनिया पाउडर और ये सफ़ेद वाला नमक। अब इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर से हम पकने देंगे। थोड़ा ये जब थिक हो जाएगा, धीरे धीरे थिक होने लगा है, बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना है, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो थोड़ा हम इसे पतला ही रखेंगे, तभी हम इसको गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ये थिक होने लगा है, ये चटनी चाट में बहुत अच्छी लगती है, दोनों ही, हरी चटनी भी और ये लाल वाली चटनी। तो ये हमारी चटनी लाल वाली भी बन के तैयार है और इसे हम थोड़ा देखिए इस तरह से पतला ही रखेंगे, अगर ठंडा होगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो हमारी हरी और लाल चटनी बनके तैयार है चाट के लिए। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।